मेरा नाम मोहम्मद मिनहाजुद्दीन है, मैं LLM छात्र हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। और एक घटना 15 तारीख दिसंबर 2019 की है। उस दिन हम जामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। एम फिल सेक्शन है जामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी में, एक अलग सेक्शन है, वहाँ हम लोग बैठे हुए थे। अभी पता चला कि जामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी में पुलिस वाले घुस आए हैं। और उसी वक्त हम जहाँ बैठे हुए थे वहाँ 20-25 पुलिस वाले हेलमेट पहने हुए और फुल्ली आर्म लाठी डंडों के साथ और घुसकर और बेतहाशा बेतरतीब सभी लोगों पर लाठियाँ बरसाने लगे। मेरे ऊपर भी लाठियाँ लगाई, मेरा ये पहले मेरी उंगली फ्रैक्चर हुई, उसके बाद उन्होंने एक डंडा मेरे आँख पे मारा। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे अनकॉन्शियस होने लगा, फिर मैं भागने के लिए टॉयलेट की तरफ गया। फिर टॉयलेट में जो कि वीडियो बाद में वायरल हुआ, लोगों ने देखा, टॉयलेट में मेरे चारों तरफ से खून निकल रहा था, वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा। उसके बाद वहाँ से कुछ दोस्त मुझे ले गए, वहाँ से अलशिफा गए, अलशिफा ने फिर मुझे नहीं लिया, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो वहाँ से रेफ़र करने के बाद हम एम्स ट्रॉमा आए, फिर एम्स ट्रॉमा ने हमें रेफ़र कर दिया आई सेंटर। तो हम राजेंद्र प्रसाद एम्स आई सेंटर है, वहाँ मेरा इलाज हुआ, आँखों का ऑपरेशन हुआ और पता ये चला कि हमारी आँखों की विजिबिलिटी चली गई। आप अभी क्या पोजीशन है, डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने ये कहा है कि आपकी आँख की विजिबिलिटी नहीं आ सकती, आपकी रोशनी नहीं आ सकती और ये भी चांसेस है कि इसका असर दूसरे आँख पर पड़ सकता है। और अभी 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 आप कहाँ पे हैं? अभी मैं एम्स ट्रॉमा में यहाँ अपनी फ्रैक्चर को दिखाने आया। सही से उपचार चल रहा है आपका इलाज? हाँ फिलहाल चल रहा है, लेकिन कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से ही कर रहे हैं। हम यहाँ आए भी तो अपना प्राइवेट एम्बुलेंस करके आए थे, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जामिया की तरफ से हमें कोई मदद नहीं। सर, जामिया प्रशासन का आरोप है कि पुलिस बिना उनकी इजाजत के कैंपस में घुसी है और लाइब्रेरी में और तमाम जगहों पर जो स्टूडेंट हैं उनको मारा पीटा गया है, उनके साथ हाथापाई हुई है बिना जामिया प्रशासन की इजाजत के। पहला दो चीजें क्लैरिफाई कर दीजिए, एक तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो दंगा हुआ उसमें क्या जामिया के स्टूडेंट थे या वहाँ के रेजिडेंट थे? दूसरी बात, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एलिगेशन लगाए कि पुलिस फोर्स अंदर गई, स्टूडेंट्स का ब्रुटैलिटी की, हॉस्टल्स में घुसे, तो इन दोनों चीजों को लेकर के पुलिस बिना इजाजत? नहीं, एक जो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने इनको पीछे पुश करना शुरू किया, कि रोड से पुश करना शुरू किया, दोनों साइड से जब पथराव हुआ हो रहा था तो उस समय जो टीयर गैस वगैरह यूज हुई है उसमें जैसे भी रॉडीज जो भी एलिमेंट्स हैं, मिस्क्रिएंट्स हैं, वो जैसे अंदर गए कुछ चेज करते हुए पीछे पुलिस वाले गए हैं उनको चेज करने निकालने के लिए, क्योंकि पथराव वगैरह बहुत हो रहा था। उसकी वही है कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हम भी कर रहे हैं। और सेकेंड जो आपने बताया कि रेजिडेंट्स, उसमें कुछ रेजिडेंट्स भी थे, उनका भी हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी ले। नकाब पहन आप वीडियो पूरा देखेंगे, वो किताब खोल के पढ़ भी रहा है, किताब खोल के पढ़ भी रहा है,
और अगर इसको ये बोलेंगे कि वो प्रोटेस्टर था, इन पर पत्थर फेंकने आया था, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है ये। अच्छा, आप रजिस्टर क्यों नहीं करते एफआईआर? आप पुलिस के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं करते? पुलिस को जबकि जामिया के वाइस चांसलर ने कोई पावर नहीं दिया इंटर होने का, कैसा इंटर हुए, क्यों इंटर हुए? आप रजिस्टर करिए एफआईआर, तहकीकात करिए। पुलिस क्या होली काउ है? पुलिस की मारने की वजह से बच्चे जख्मी हुए, पुलिस की वजह से अभी तो वुमेन हॉस्टल के वीडियो निकलने बाकी हैं, वुमेन्स के हॉस्टल में घुस के मारे बच्चों को, वो वीडियो भी निकलेगा, देखिए बाप, उनको क्या बोलेंगे, बाल पकड़ के मारे बच्चों के, वो वीडियो भी निकलेगा। ये सरासर पुलिस का जुल्म है, इसको मैं कंडेम करता हूं और होम मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करें, इनके खिलाफ एफआईआर बुक करें, क्योंकि अगर लॉयर्स को, जब लॉयर्स जब पुलिस वाले को मारे, जब पुलिस वाले अपनी बहादुरी नहीं दिखाए, इन बच्चों के खिलाफ बहादुरी दिखा रहे और जुल्म कर रहे हो लोगों पर। कुछ वीडियोस का जो सवाल है, जो जामिया यूनिवर्सिटी के कुछ वीडियोस जो कल और आज जो मीडिया में प्रचुरित हो रहे हैं, उसको लेकर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास ये वीडियोस हैं, इसमें क्या सच्चाई है वो खुद दिल्ली पुलिस इस पर जांच पड़ताल करेगी। और इसके साथ छेड़छाड़ किया गया ऐसे बताया जा रहा है, और कुछ लोगों को छात्र बताया जा रहा है, उनके हाथ में पत्थर है, ये पत्थर की पढ़ाई, कौन सी पत्थर की पढ़ाई हो रही है जामिया में, हमें तो समझ नहीं आ रही है कि आप कंप्यूटर से पढ़ाई होती है लेकिन पत्थर को भी हाथ में रख के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये छात्र हैं, क्या ये बाहर के कुछ लोग घुसकर कैंपस के अंदर अराजकता फैलाने के लिए गए हैं? छात्र है तो फिर नकाब क्यों पहनते हैं? नकाब पहनकर कौन अपने आइडेंटिटी को बचाना चाहता है? केवल जो उपद्रवी है, जो कानून विरोधी काम करते हैं, वही अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं? तो ये इसलिए एक तरफा इस प्रकार बयान देना और इसको राजनीति से जोड़ना, ये कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार के सोच का हम निंदा करते हैं। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।